जनपद में छठ पर्व पर घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक इंतजाम रहा, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि जनपद में 1200 से ज्यादा छठ घाट हैं, शहर में 109 घाट हैं। सभी घाटों पर नगर निगम प्रशासन द्वारा साफ सफाई की व्यवस्था किया गया है। सभी घाटों पर महिला पुलिस के साथ पुरुष पुलिस कर्मियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा अलग से पीएसी व एनडीआरएफ की ड्यूटी लगाया गया है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि महिलाओं ने साथ चैन स्नेचिंग या कुछ किसी भी तरह की घटना ना हो, इसका पूरा प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राप्ती नदी, गोरखनाथ मंदिर, सूरजकुंड सहित यहां पब्लिक की ज्यादा भीड़ है, वहां पर अलग से ज्यादा फोर्स लगाई गई है, जिससे कि किसी को किसी तरह की दिक्कत ना हो। हमारा प्रयास है कि छठ पर्व सकुशल संपन्न होगा। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में करीबन 900 से ज्यादा घाट है और हमारे गोरखपुर शहर में 109 के करीबन घाट है। सभी घाटों पर नगर निगम और प्रशासन द्वारा अच्छी अर्घ्य के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है। साथ में सुरक्षा के लिए गोरखपुर पुलिस द्वारा फ्लड प्लाटून भी लगाए गए हैं, उसके साथ साथ गोरखपुर पुलिस के तैराक भी हैं। पीएसी और जनपद के विभिन्न थानों से फोर्स लगाई गई है। एंटी चैन स्नेचिंग और किसी तरीके की महिलाओं के साथ कोई घटना न हो, इसलिए हर चौराहे पे, रास्ते पे, हर रूट पे व्यवस्था की गई है। यहाँ पे आप पर्टिकुलरली देख सकते हैं राजघाट, रामघाट, गोरखनाथ मंदिर के अंदर जो भीम सरोवर है, मान सरोवर है और जो सूरजकुंड पोखरा है, इन सब जगहों पे थोड़ी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के साथ व्यवस्था की गई है, जहाँ पे जनसैलाब बड़ी मात्रा में उमड़ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये छठ का महापर्व है बहुत शांति से अच्छे से गुजरेगा और यहाँ पे सब लोग आए हैं, बिल्कुल प्रसन्न है, और गोरखपुर के सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं।